आज मैं आपके साथ एक वेट लॉस टी शेयर करूंगी, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो सके। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरे चैनल पे कोई न्यू ऐसे ही अच्छी अच्छी और बेनिफिशियल वीडियो अपलोड हो तो आप उसे मिस ना कर सके। हाय गाइस, इट्स मरियम अदील एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये टी आपके एक्स्ट्रा वेट के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा फैट भी कम करेगी। इससे आपका एक्स्ट्रा फैट कम होगा। ये टी जस्ट देखने में ही खूबसूरत नहीं है, इवन ये टेस्ट भी बहुत अच्छी है, साथ ही इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये टी ना सिर्फ आपका वेट कम करेगी बल्कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देगी, स्किन पे ग्लो लेकर आएगी, स्किन के टेक्सचर को अच्छा करेगी, साथ ही आपके हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, हेयर फॉल को रोक के आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलें देख लेते हैं इस बेनिफिशियल से टी को बनाना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए यहाँ गुड़हल के फूल, हिबिस्कस फ्लावर, सूखे हुए हिबिस्कस फ्लावर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, यहाँ मेरे पास सूखे हुए भी हैं और फ्रेश भी हैं, तो मैं ड्राई फ्लावर में इसलिए यूज कर रही हूँ कि अगर आपको फ्रेश ना मिले तो आप इसी तरह से ड्राई करके अपने पास रख सकते हो और उसको यूज कर सकते हैं। मैंने खुद ड्राई किए हैं, अगर आपके पास नहीं है या आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप इसे किसी भी पंसार स्टोर से ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत इजीली और बहुत सस्ते दाम आपको ये मिल जाएगा। हिबिस्कस में काफी तादाद में पेनोफिनेल्स होते हैं जिससे स्पेशली लव एंगल्स यानी कमर से फैट कम होता है और स्ट्रेस लेवल भी बहुत लो होता है। ये हमारी बॉडी से मिठास और स्टार्च एब्जॉर्ब होने से रोकता है और इससे फिर फैट बॉडी में जमा नहीं होता। हिबिस्कस बॉडी से स्वेलिंग यानी सूजन को कम करता है जो वेट और फैट बढ़ने की मेन वजह होती है। हिबिस्कस में आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है जो आपको एनेमिक नहीं होने देगी, और अगर आप एनेमिक हैं तो हिबिस्कस की चाय आज से ही स्टार्ट कीजिए, यह आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगी। हिबिस्कस टी थायराइड के पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होती है। तो ये मेरे पास सूखे हुए हैं, आप अगर चाहें तो फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास फ्रेश भी पड़े हुए हैं, ये सूखने के लिए तैयार हैं, सूखे नहीं है पूरी तरह से, ये फ्रेश हैं बिल्कुल, इस तरह से आपको पेट पे नजर आएंगे। उसके बाद मैं यहाँ ले लूंगी पानी, तो यहाँ मैं 2 कप पानी लूंगी, ये 1 कप मेरे पास जो मौजूद है इसके 2 कप मैं ले लूंगी। इसके बाद मैं यहाँ लूंगी दालचीनी यानी सिनेमन स्टिक, 2 कप बनाऊंगी इसलिए मैंने इतने 2 टुकड़े या 2 पीस इतने मैंने डंडियां इसकी ले ली है, स्टिक्स ले ली है। फिर मैं यहाँ लूंगी ग्रीन टी, अगर आपके पास खुली हुई ग्रीन टी है तो आप 1 टीस्पून लेंगे, और यहाँ मेरे पास जो ये टी बैग है इससे मैं 2 कप बनाऊंगी, यानी 1 टी बैग से 2 कप हमारी हिबिस्कस टी बनेगी। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ सॉस पैन ले लिया और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ ये 2 कप पानी में इसमें ऐड करूंगी और थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा ऐड करूंगी ताकि अगर ये जो जल जाएगा पानी वो बैलेंस हो जाए। तो 2 कप पानी इसमें ऐड कर दूंगी और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, ये पानी हमारा खोलेगा। उसके बाद हमने जो सिनेमन स्टिक्स ली है उन सिनेमन स्टिक्स को अच्छी तरह से हम यहाँ दुरदुरा सा कूट लेंगे ताकि ये इसका जितना भी अरोमा है, जितने भी इसकी बेनिफिशियल ऑयल है वो इसमें थोड़ा सा रिलीज कर दे, और उसके बाद हम इसे पानी में ऐड कर देंगे। सिनेमन या दालचीनी हमारी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन पैदा करके शुगर के लेवल को लो करता है या कम करता है, बॉडी से हर तरह की बादी यानी सूजन, स्वाइलिंग और गैस्ट्रिक वगैरह के इश्यूज में बहुत रिलीफ देके बॉडी से स्वाइलिंग को कम करता है। साथ ही जोड़ों के दर्द में ये बहुत आराम दिलाता है। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सिनेमन का यूज बढ़ा दीजिए अपनी लाइफ में। तो यहाँ मेरे पास जो स्टिक्स थी वो मैंने खोलते हुए गर्म होते हुए पानी में डाल दिया और इस पानी को मैं खौला लूंगी। तो 1 से 2 मिनट तक हम पानी को खोलाएंगे ताकि दालचीनी इसमें अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए, अपना अरोमा छोड़ दे, अपने बेनिफिट छोड़े। फिर उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए पानी को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो इसकी बहुत ज्यादा हॉटनेस है वो थोड़ी सी रिलीफ हो जाए, थोड़ा सा चिल की तरफ जाए पानी। फिर इसे हम एक कंटेनर में शिफ्ट करेंगे, या अगर आपको कंटेनर में शिफ्ट नहीं करना तो एसी में रहने दीजिएगा, और उसके बाद हम इसे आगे के इसमें जो चीजें हैं हमारी वो इसमें ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना हिबिस्कस फ्लावर। तो यहाँ मैंने इसे पानी में डिप करके रखा था ताकि इसमें जितनी भी गंदगी या डर्ट या पोल्यूशन कुछ भी तरह का कोई इम्प्योरिटीज है तो वो निकल जाए। तो यहाँ मैंने 2 से 3 फ्लावर ले लिए क्योंकि मैं 2 कप बना रही हूँ। अगर आप 1 कप बनाए तो ये 1 फ्लावर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, फ्रेश हो तो ये 1 फ्लावर आप फ्रेश ऐड कर देंगे, वरना अगर सूखे हुए हैं तो सूखा भी 1 ही फ्लावर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ ग्रीन टी, 1 टी बैग हमारे लिए इनफ है 2 कप के लिए। तो ग्रीन टी के फ्लेवोनॉइड और कैफेन से हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है जिससे चर्बी घटती है और हम फैट जल्दी कम कर पाते हैं। तो ये हमारी टी बनके रेडी हो चुकी है। अब इसे ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे जब तक ये ठंडी होती है, क्योंकि गर्मी आए तो हम ठंडा पियेंगे। अगर आप सर्दियों में बनाएं तो इसको आप गर्म गर्म ही पिए तो बेनिफिशियल है, ये सर्दियों और गर्मियों दोनों में फायदेमंद है। तो इसको बनाइए, ये आपके लीवर को और किडनी को डिटॉक्स करेगी, उसमें जितने भी केमिकल फासिद मादे हैं वो उनको रिलीज करेगी, उनको निकालेगी। शुगर के पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं, हाँ लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या नर्सिंग मदर हैं तो इसको अवॉइड कीजिएगा। पीसीओडी और पीसीओएस वाले इसको नहीं ले सकते, और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको फोकस करना
पड़ता है, तो उसमें भी इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। तो इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, एक हफ्ते यूज से ही आपको रिजल्ट नजर आएगा। आप इसको लेने से पहले अपनी जो बॉडी का साइज है वो मेजर कीजिए, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद कीजिए, आपको फर्क नजर आएगा। इसको रेगुलर अपनी लाइफ में ऐड कीजिए और 2 से 3 महीने कंटिन्यू पीजिए। 1 महीने के बाद आपकी जो बॉडी है वो ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाएगी। तो गाइज इसको बनाइए, अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो खुद उसको एक हफ्ता बना के यूज करना शुरू कीजिए। आते हैं हिबिस्कस फ्लावर, अगर आपके पास मौजूद है, इसका ट्री मौजूद है या आपके आसपास मौजूद है तो फ्री में ही मिल जाएगा। तो इसको बनाइए, यूज कीजिए और इसका फीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कर लिया है तो शुक्रिया, मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।